देख सकते हो अब हम डोमा सीरीज का 3 ट्रैक काटने जा रहे हैं। एकदम राइट एंगल में कटा हुआ है ये। एकदम राइट एंगल में है, आप देख सकते हैं। मित्रों अब हम डोमा सीरीज का शटर कटिंग करने जा रहे हैं, आप देख सकते हैं। आपने कैसे कटिंग किया है, हमने देखिए सामने लिखा एकदम एकदम सामने लिखा तो हम और सब सामने लिखे
अब इस हम डोमाल के हैंडल में इस लॉक का खांचा मारने जा रहे हैं, आप देख सकते हैं। और लक्का खांचा मार चुके हैं, अब इसमें हम फाइलिंग वगैरह करेंगे। पॉसिबल अब हम इसका रैपर निकाल रहे हैं ताकि स्क्रैच ना आए, क्योंकि हमको पहले ही लगा हुआ रहता है इसमें। तो आप देख सकते हैं इस लॉक को हम इसमें डाल देंगे। ये देखिए बढ़िया से बैठ गया है, बंद करना। आपने देख लिया लॉक का खांचा हमने कैसे मारा है। यहाँ पे हमारा सब खिड़की आ गया है, अब हम इसे इंस्टॉल करने जाएंगे थोड़ी देर में। नमस्कार मित्रों, अब हमारा डोमाल सीरीज का स्लाइडिंग विंडो तैयार है जो कि हमने 3 ट्रैक में बनाया है, आप देख सकते हो। हमने इसका एक लॉक पीछे साइड रखा है और एक लॉक जो है ये देख सकते हैं हमने आगे रखा हुआ है ताकि कोई भी आदमी अंदर जाके फंसे ना। अभी देखिए हम आपको स्लाइड करके दिखाते हैं। ये देखिए इसका फिटिंग्स कैसा है। ये देखिए हमने एक लॉक इसके पीछे से लगाया हुआ है ताकि कोई पीछे अंदर आदमी फंसे ना। अब सेम इसको तुम बंद करके दिखाओ धीरे से। ये देखिए इसका अभी एक लॉक उस तरफ है और एक लॉक हमने इस तरफ करके रखा है ताकि कोई भी आदमी न फंस पाए। हमने डोमाल के साथ साथ 1850 सीरीज का भी खिड़की बनाया है इस साइड पर, आप देख सकते हो। इसमें 2 कांच 1 जाली है
आप देख सकते हो इसमें एक जाली का भी पल्ला लगा हुआ है ताकि मच्छर ना आ पाए। ये देखिए, देख सकते हैं आप, जाली वाला खोल के दिखाओ उसमें। इसी तरह का खिड़कियाँ हमने बाकी कमरों में भी लगाया हुआ है, जैसे कि ये देखिए यहाँ पे लगाया है इस बेडरूम में, उसके बाद इस बेडरूम में भी लगाया हुआ है, साथ ही हमने बाथरूम में भी लगाया हुआ है जिसमें लूअर्स है और जाली भी है। ये देखिए इसमें जाली भी है और लूअर्स भी है। एग्जॉस्ट फैन का गाला भी बनाया हुआ है। इस बाथरूम में भी है, ये देखिए इसमें जाली भी है साथ में लूअर्स भी है। यह किचन का विंडो और यह है इनका ड्राई बालकनी, जिनमें तीनों के तीनों शटर्स में जाली ही इस्तेमाल किया गया है। ये देख सकते हैं आप, तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो ज़रूर लाइक करें।